दोस्तों, अगर आप एयरटेल का सिम यूज करते हैं और आप अपने एरिया के ख़राब इंटरनेट से परेशान हैं, यानी कि स्लो इंटरनेट की स्पीड से परेशान हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा और लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक छोटी सी और आसान सेटिंग करके कैसे अपनी एयरटेल की इंटरनेट की स्पीड रॉकेट जैसे तेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शशि और आप देख रहे हैं शशि शुक्ला टेक यूट्यूब चैनल। तो आपको अपने एयरटेल का इंटरनेट स्पीड बढ़ाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक छोटी सी सेटिंग करनी होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप इस प्रोसेस को पूरा समझ पाएंगे। इससे पहले मैं एक बार आपको स्पीड टेस्ट करके दिखा दे रहा हूँ कि मेरा फ़ोन कितना स्पीड दे रहा है, यानी कि मेरा जो एयरटेल कनेक्शन है वो कितना स्पीड दे रहा है। इसके लिए आप भी खुद से चेक कर सकते हैं। ये ओकला ऐप है जो इंटरनेट का स्पीड चेक करता है। तो इसमें मैं स्पीड टेस्ट कर रहा हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुल स्पीड कितनी है अभी ये सेटिंग करने से पहले। और सेटिंग पूरा करने के बाद भी मैं वापस आपको स्पीड टेस्ट करके दिखाऊँगा कि हमारी स्पीड कितनी बढ़ी है या घटी है। यहाँ पे देख सकते हैं हमारी कुल जो डाउनलोडिंग स्पीड है वो 0.57 Mbps है। तो ले चलता हूँ मैं आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में। यहाँ पे कुछ अलग अलग कंपनियों के फ़ोन में अलग अलग जगह पे ये सेटिंग आपको ढूंढने पे मिल सकती है। मेरे फ़ोन में यहाँ पे जाएंगे, मेरा ये ओप्पो का रियलमी का फ़ोन है, तो यहाँ पे डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क जो आपको दिखा रहा है, यहाँ पर हम जाएँगे। जो एयरटेल का सिम है वो सिम वन में लगा हुआ है, तो सिम वन पर हम क्लिक करेंगे। सिम वन पर क्लिक करने के बाद यहाँ हम सबसे नीचे आप देख रहे होंगे एक्सेस पॉइंट नेम लिखा हुआ आ रहा है। तो एक्सेस पॉइंट नेम आपको ढूंढना है अपने फ़ोन में। अब आपके फ़ोन का जो नेटवर्क का सेटिंग होगा या सिम कार्ड का सेटिंग होगा उसके अंदर ही ये आपको एक्सेस पॉइंट नेम या APN सेटिंग करके मिलेगा। तो आप अपने फ़ोन में ढूँढें कि आपके फ़ोन में ये कहाँ है। मेरे फ़ोन में ये सिम कार्ड सेटिंग के अंदर है। तो मैं यहाँ पे अपना एक्सेस पॉइंट नेम सेटिंग जो है वो उसको ओपन कर ले रहा हूँ। एक्सेस पॉइंट नेम सेटिंग ओपन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दो चीज़ें दी गई है। एक सबसे ऊपर airtelgprs.com, इसके नीचे airtelmms.com, ये दो सेटिंग है, इसको आपको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको यहाँ आई बटन पर क्लिक करना है। आई बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है एयरटेल, तो इसको आपको करना है एयरटेल इंटरनेट वन। इसमें आप एयरटेल इंटरनेट वन और इसको करना है सेव। इसके नीचे APN में airtelgprs.com लिखा गया है, उसको वैसे ही छोड़ देना है। इसके नीचे जितने भी हैं प्रॉक्सी पोर्ट्स यूजर नेम पासवर्ड, इसको वैसे ही छोड़ देना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक सर्वर लिखा हुआ है, सर्वर पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ हम एंटर करेंगे *99#। यहाँ पे *99# लिखेंगे, फिर सेव पे क्लिक करेंगे। इसके नीचे आएंगे, MMSC को छोड़ देना है, MMS प्रॉक्सी ये सब छोड़ देना है, MCC MNC ये सब भी छोड़ देना है। यहाँ जो ऑथेंटिकेशन टाइप है इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमको सेलेक्ट करना है PAP। पैप सेलेक्ट करने के बाद नीचे आएंगे, जो APN टाइप है इसको डिफ़ॉल्ट SUPL ही रहने देना है। APN प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 इसको रहने देना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 रहने देना है। अगर आपका IPv4 है तो इसको आप IPv4 IPv6 कर लें। इसके बाद हम आएंगे बियरर पे। बियरर पे आने के बाद इसको यहाँ पे अनस्पेसिफिक पे क्लिक रहेगा, इसको हटा के आपको LTE पे कर देना है। बेरर आपको सिर्फ LTE पे टिक करना है और आपको पीछे बैक आ जाना है। इसके बाद सबसे ऊपर की तरफ आप राइट साइड में देख रहे होंगे सेव का ऑप्शन है। आपके फ़ोन में नीचे भी सेव का ऑप्शन हो सकता है या 3 डॉट के अंदर भी सेव का ऑप्शन हो सकता है। तो आप देख लें आपके फ़ोन में कहाँ सेव का ऑप्शन है, वहाँ से जाके आपको इसको सेव कर देना है। फिर से सेव पे मैं क्लिक कर ले रहा हूँ। ये हमारा पहला सेटिंग हो गया। इसके बाद भी एक छोटा सा और सेटिंग करना है, आप वीडियो में बने रहें। इसके नीचे जो आप एयरटेल MMS देख रहे हैं इसको भी आपको एडिट करना है, तो आई बटन पे क्लिक करेंगे। आई बटन पे क्लिक करने के बाद इसमें भी जो नाम है उसमें airtel MMS 1 डालेंगे। airtel MMS 1 डालने के बाद जो नीचे APN लिखा हुआ है इसको हम वैसे ही छोड़ देंगे। इसमें सिर्फ हमको दो ही तीन चीज़ें चेंज करनी है, वो सबसे नीचे हम आएंगे। सबसे नीचे आके यहाँ ऑथेंटिकेशन टाइप जो है इसको हम खोलेंगे और इसमें PAP सेलेक्ट कर लेंगे।
इसके अलावा APN प्रोटोकॉल IPv4 IPv6 ही रहने देंगे। जो APN टाइप है इसमें MMS लिखा हुआ है, हम इसमें टाइप करेंगे डिफ़ॉल्ट SUPL। इसमें टाइप करेंगे डिफ़ॉल्ट कॉमा SUPL, डिफ़ॉल्ट कॉमा SUPL लिख के इसको सेव कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ भी बियरर पे आएंगे और यहाँ LTE को टिक कर लेंगे। टिक करके सिंपली बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा सेटिंग पूरा हो चुका है, इसको भी हम पहले जैसा कि पहले वाला को सेव किया था इसको भी वैसे ही सेव कर लेंगे। तो यहाँ मैं सिंपली सेव पे क्लिक करूँगा। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ दोबारा से सेव का ऑप्शन मांग रहे हैं, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ पे हमारा सेटिंग कंप्लीट हो गया। इसके बाद सिंपली हम बैक आ जाएंगे और अपना इंटरनेट कनेक्शन एक बार बंद करके और दोबारा से चालू कर लेंगे। अब मैं वापस से आपको ले चलता हूँ ओकला ऐप में और आपको दिखाता हूँ इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड जांच के कि कितनी स्पीड आ रही है। तो यहाँ मैं गो पे क्लिक करता हूँ, कनेक्टिंग हो रहा है। पहले भी आपने देखा था कि ये 1 Mbps से भी कम स्पीड दे रहा था, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पीड अभी 6 से 7 Mbps तक जा रहा है। ये पूरा स्पीड कम्प्लीट होने के बाद ये आपको दिखाएगा डाउनलोडिंग और अपलोड स्पीड दोनों। पहले वाले टेस्ट में सिर्फ डाउनलोडिंग स्पीड 0.5 Mbps तक दिखा रहा था, 0.57 कुछ ऐसे दिखा रहा था, और अपलोड स्पीड तो शो ही नहीं कर रहा था। यहाँ पे देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड 6.19 Mbps है और अपलोड स्पीड अभी टेस्ट हो रहा है। अपलोड स्पीड भी आपको कुछ देर में रिजल्ट आपके सामने होगा। इससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड स्पीड भी 4.11 Mbps है और डाउनलोडिंग स्पीड 6.19 Mbps है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।